सो हेलो माय डियर पब्लिक, वेलकम बैक। सो क्या आप इस तरह के गेम्स पसंद करते हैं जिनके अंदर आपको ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिले, उस ओपन वर्ल्ड मैप के अंदर आपको जो भी करने का दिल हो वो आप कर सको, जैसे कि आप बहुत सारे व्हीकल को चला सको, ट्रक को चला सको, बसेस को चला सको, इसी के साथ कार्स चला सको, मोटरसाइकिल चला सको, और इसी के साथ उस ओपन वर्ल्ड मैप के अंदर आपके पास बहुत सारी बंदूकें हो और आप हर किसी को मार सको, उनसे गाड़ियां छीन सको और इसी के साथ फार्मिंग वगैरह भी कर सको। सो अगर आपको इस तरह के गेम्स पसंद है तो ये वीडियो आप ही के लिए होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया इस तरह के एक नहीं दो नहीं पूरे के पूरे टॉप 5 बेस्ट ऑफलाइन ओपन वर्ल्ड सिमुलेटर गेम्स के बारे में। सो ये सभी गेम्स अपनी जगह पर बेस्ट होने वाले हैं और सारे गेम्स अलग अलग कैटेगरीज के हैं, तो आप सभी गेम्स को एक बार चेकआउट कर लेना, उसके बाद डिसाइड करना कि आपके लिए कौन से गेम बेस्ट होने वाले हैं। और इसी के साथ सभी गेम्स की लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दी आपकी सहूलत के लिए, तो वहां से वन क्लिक में डाउनलोड कर लेना। सो इसी तरह की सिर्फ ऑफलाइन गेम्स को जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी के साथ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सेट कर देना, ताकि मेरी जैसे न्यू वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। सो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सो स्टार्ट करती हूँ मैं अपने नंबर 1 गेम से, जिसका नाम है रशियन ड्राइवर। अभी गेम के नाम में रशियन आ रहा है, तो गेम के अंदर आपको लोकेशंस भी थोड़ी उस तरह देखने को मिलेंगी, और गेम का कॉन्सेप्ट सिंपल होने वाला है। गेम के अंदर आप GTA की तरह इधर उधर व्हीकल्स को चला सकते हो, गेम के अंदर आपको ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिलता है, इसी के साथ बहुत सारे व्हीकल्स भी चला सकते हो, जैसे कि बाइक चला सकते हो, इसी के साथ हेलीकॉप्टर चला सकते हो, और भी बहुत सारे व्हीकल है जैसे कि कार्स वगैरह भी चला सकते हो। सो इस तरह आपको गेम प्ले करना होता है। गेम के अंदर आपको बीच बीच में मिशन भी देखने को मिलते हैं, उन्हें भी आप कंप्लीट कर सकते हो, और इसी के साथ गेम का साइज भी आपको नॉर्मल देखने को मिलता है, और गेम टोटली ऑफलाइन होने वाला है। खेलोगे तो आपको डेफिनेटली दे ही देगा। सो ओके, बात करें मेरे नंबर 2 गेम की, तो वो है GTA 5 फैनमेड। आई नो पब्लिक, ये गेम आप लोगों में से बहुत सारे बंदों ने पहले खेला होगा, अगर जिन लोगों ने नहीं खेला है तो ये गेम आप ट्राई कर सकते हो। ये एक बेस्ट सिमुलेटर गेम है जो कि आपको ओपन वर्ल्ड मैप भी प्रोवाइड करता है, इसी के साथ बहुत सारे स्टंट वगैरह, फ्री राइडिंग एंड ड्रिफ्टिंग एंड स्टेडिंग कर सकते हो इस गेम के अंदर। आपने GTA 5 गेम के बारे में तो सुना ही होगा, वही सिस्टम इस गेम के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये उसी का ही फैनमेड गेम है, तो आपको मोबाइल के अंदर वर्जन देखने को मिल रहा है, तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो। इस गेम के अंदर आपको मिशन वगैरह तो देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पर आप फ्री राइडिंग कर सकते हो, स्टंट कर सकते हो, इसी के साथ ड्रिफ्टिंग कर सकते हो, और भी बहुत कुछ, मतलब आपको ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिल ही रहा है, तो आप इस गेम को ट्राई कर सकते हो, वो भी ऑफलाइन के अंदर, और साइज भी बहुत ही कम होने वाला है। इसी के साथ बात करें हमारे नंबर 3 गेम की, तो वह यूरोपन लग्जरी कार्स। अगर आप लोगों को भी इस तरह के गेम्स पसंद है जिसके अंदर आपको ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिले, उस ओपन वर्ल्ड मैप के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी कार देखने को मिले जो कि पहले से अनलॉक हो, आपको कोई भी मिशन वगैरह करने की जरूरत नहीं हो, और हेवी कार्स देखने को मिले, तो ये गेम आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इस गेम के अंदर आपको जितने भी कार्स देखने को मिलती है वो सारी अनलॉक है पहले से ही, इसी के साथ इस ओपन वर्ल्ड मैप के अंदर आपको हर तरह की कार्स देखने को मिलेंगी जिन्हें आप खुद चला सकते हो। सो इस तरह आपको गेम प्ले करना होता है। गेम के अंदर आप सिर्फ फ्री राइडिंग कर सकते हो, इधर उधर अपनी कार्स को चला सकते हो, ड्रिफ्टिंग वगैरह कर सकते हो। सो अगर आपको इस तरह के गेम्स पसंद है तो इस गेम को डेफिनेटली एक बार ट्राई कर लेना। सो ओके, बात की जाए हमारे नंबर 4 गेम की, तो वो है क्रैश ड्राइव 3। अभी ये जो गेम होने वाला है, इस गेम के अंदर आपको बहुत सारे करने होते हैं स्टंट। इस गेम के अंदर आपको बहुत सारे व्हीकल्स भी देखने को मिलती है, मतलब बहुत सारे व्हीकल, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। इसी के साथ यहाँ पर आप मल्टीप्लेयर मोड के अंदर भी खेल सकते हो, यहाँ पर आपको जो आगे टीम्स मिलेंगी उनको हराना होता है। गेम के अंदर आपको ओपन वर्ल्ड मैप भी देखने को मिलता है, इसी के साथ इधर उधर जा भी सकते हो, जगहों का एक्सप्लोर भी कर सकते हो, तो बेस्ट सिमुलेशन गेम है, तो इस गेम को आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको ये गेम पसंद आया तो ठीक है, इसी के साथ हम चलते हैं हमारे लास्ट वाले गेम की तरफ। खैर, इसी के साथ बात करें हमारे लास्ट गेम की, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ में बेल आइकन को जरूर से ऑल पर सेट कर देना, ताकि मेरे जैसे न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। इसी के साथ बात की जाए हमारे नंबर 5 गेम की, तो वो है माय टाइम एट प्रोशा। सो फाइनली ये गेम भी ऑफिशियली गूगल प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पर रिलीज हो चुका है। अगर आपने अभी तक इस गेम को ट्राई नहीं किया तो एक ट्राई दे सकते हो। ये गेम एक ओपन वर्ल्ड फार्मिंग एंड क्राफ्टिंग गेम होने वाला है, तो इस गेम के अंदर आप फार्मिंग भी कर सकते हो, इसी के साथ क्राफ्टिंग भी कर सकते हो। सो इस तरह आपको गेम प्ले करना होता है। गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है। गेम के अंदर आपको विजुअल बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं, और ग्राफिक्स भी बहुत ही तगड़ी होने वाले, एक जबरदस्त गेम होने वाला है, तो एक ट्राई दे सकते हो। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे गेम पसंद आए होंगे। मैं मिलूंगा आपको अगली किसी ऐसी न्यू ऑफलाइन गेम्स की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।